आज देश के बड़े शहरों में जहां एक ओर बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट साइबराबाद एवं अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी की यूटिलिटी और सक्सेस से सभी अवगत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एआई, एमएल सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट्स के संस्थानों कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। युवाओं के ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय है होगा कि उसके युवा ओलंपिक्स में भाग लें। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूँ। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है, हमारी केंद्र की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितंबर 2023 को संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। इसमें भी महिलाओं को खुशी नहीं है। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से 2,80,000 महिलाएं एवं उनके परिवार 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। इस योजना को और अधिक गति देते हुए आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।